राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। और आज मैं आपको अपना ये बिखरा हुआ गार्डन दिखा रही हूँ, जो कि ये देख रहे हैं बड़े वाले मनी प्लांट्स पे किस तरीके से पानी पहुँच रहा है। कभी कभी ना इनको बहुत अच्छे से शावरिंग करा दो, पत्ते वत्ते धुल जाएँ तो बहुत, और इनको जो शावरिंग कराने से जो मॉइस्चर मिलता है उसकी तो बात ही क्या है। इस तरीके से ये देखिए, जितने भी ये मॉस ग्रास के डंडे हैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से पानी देने से देख रहे हैं कितना अच्छा मॉइस्चर मिल जाता है इनको। और दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये इस तरीके से डंडे में ये बहुत अच्छे से निकल के आया है पूरा नीचे का। मैं आज आपको अपना ये बिखरा हुआ गार्डन दिखा रही हूँ, और बिखरा हुआ गार्डन भी खूबसूरत लग रहा है। सफाई चल रही है और अभी काफ़ी टाइम तक ये इसी तरीके से बिखरा रहने वाला है। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। कुछ कटिंग्स लगाई थी, जो कि छोटे छोटे पॉट हैं जो नर्सरी से हमें मिलते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत लगे, स्वीट पोटैटो वाइन है, काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रही है। देखिए मैंने ये कटिंग से लगाई थी, बहुत अच्छी लग रही है। और इधर ये अजवाइन का प्लांट है जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। कि बहुत सारे कुछ कोलियस है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये लग रहे खूबसूरत। तो मौसम चेंज हो रहा है, भीड़ इसलिए है क्योंकि अभी इनको सेट करना है, पेंट करना है, और उसके बाद कहाँ रखे जाने हैं ये भी समझ में अभी नहीं आ रहा है। और ये सारे स्टैंड पर से पॉट जो थे सारे नीचे आ गए हैं। इस तरीके से कुछ गिरे हुए हैं, देख लीजिए कुछ गिरे हुए हैं। ये देखिए, इसको यहाँ रख देते हैं। तो अभी सब उल्टे सीधे पड़े हुए हैं, ये देखिए सारे, और अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत है। ये भी कटिंग से ग्रो किया और बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल के आया है। देखिए इनका बहुत ही प्यारा, पूरा जो पॉट है ना भर चुका है, रूट्स निकल चुकी है इसकी। ये लीजिए, इस वाले प्लांट में ना गाइस अगर मॉइस्चर है, ये प्लांट्स आपका कहीं जाने वाला नहीं है, बहुत खूबसूरत प्लांट है। तो हर साल जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, कटिंग से प्लांट्स हो जाते हैं ज़्यादा, भीड़ मच जाती है, फिर स्टैंड का बैलेंस भी बिगड़ जाता है, कहाँ पर क्या रखना चाहिए समझ में नहीं आता है। ये उसी की भीड़ मची हुई है मेरे यहाँ पर, फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा है, पर अब नई तरीके से इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी मुझे। तो सारे ही प्लांट्स इस तरीके से मैंने यहाँ रख रखे हैं, और मुझे अब इनका हिसाब ऐसा बनाना है कि ये अच्छी तरीके से इनको धूप मिले। और ये जो बड़ा वाला मनी प्लांट्स है, इसकी मैं आपको जो कटिंग करी थी, अब ये ऊपर वाला देख रहे हैं, कटिंग तो इसकी भी करनी है मुझे। ये देखिए यहाँ पर निकल आया ना, नई ब्रांचेस निकल रही हैं, एक ये। अब ये जो यहाँ से निकलेगी ना, वो फिर अलग से ही निकलती चली जाएगी नीचे भी कहीं पर। एक ये देखिए यहाँ पर है, तो ये जितने भी ये देखिए दिखा पा रही हूँ मैं आपको, तो ये जितने भी हैं ना, ये सब में से निकलने वाला है, सब में से। तो मज़ा आने वाला है, मेरा ये सारा प्लांट्स घना हो जाएगा। ये इसको तो मैं घना कर ही रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, दिन पे दिन घना होता जा रहा है। देखिए हर तरफ से दिखाती हूँ इसको मैं। ये देखिए, इसमें दो तरीके की मनी प्लांट्स लगाई थी, एंजॉय कोर्थोस है, एक कटिंग लगाई थी गाइस मैंने, अभी देखिए ऊपर तक मॉस ग्रास के डंडे के साथ में निकल के आ रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है और घना होता जा रहा है कटिंग से। और इसको मॉस ग्रास के साथ अटैच किया है, इसके पत्ते देख रहे हैं कितने बड़े बड़े निकल के आ रहे हैं, देखिए लग रहा है ना, बहुत खूबसूरत प्लांट है। तो आप भी इसको मॉस ग्रास के डंडे के साथ में इस तरीके से अटैच कीजिए, बहुत खूबसूरत निकल के आने वाला है। और मैं आपको इस तरीके से आपने कुछ, ये देखिए ये ऊपर पहुँच गया, 6 फीट हो गया ये ऊपर,
छः फिट हो चुका है। जाने दीजिए एक बार और, उसके बाद मैं इसको कट करूँगी। यहाँ से तो कट होगा नहीं, देखो कट होगा तो इसके ऊपर जो दूसरा वाला आएगा ना वहाँ से होगा। तब तक के लिए छोड़ देते हैं इसको। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि सारे कटिंग से और एक पॉट से, अभी आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये वाला प्लांट है, ये एक पॉट में आया था और मैंने काफ़ी सारे पॉट बना लिए। देखिए तो अभी बिखर गया ना, काबू में नहीं आ रहा। ये देखिए, ये मैंने एक जगह था, काफ़ी जगह बना लिया है। ये भी मैंने जगह जगह लगा लिए हैं। अब ये भाग रही हैं इधर उधर, क्या करूँ इसका समझ में नहीं आ रहा। इसको कट करती हूँ थोड़ा सा, ये लीजिए। अच्छा, कट करने से क्या हो रहा है, जुकाम हो गया गाइस। कट करने से ये थोड़ा सा घना हो रहा है और जो इसकी ब्रांचेस निकलती हैं ना वो मैं इसी में ऐड कर देती हूँ, ये थोड़ा सा घना हो जाए। तो इस बात पर भी आपको ध्यान रखना है कि प्लांट्स की जो छोटे पॉट की बता रही हूँ मैं आपको, जैसे कि ये, आपको सिर्फ ये घना करना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम घना कैसे करें, मेरा तो घना नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बताऊँ, ये घना बस एक ही शर्त पे होता है कि इसकी लताएँ जो निकल के आती हैं उस लताओं को आप काट दें और वहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाएगा नए तरीके से। तो आपको ये बिखरा हुआ गार्डन कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताएं। और जो भी भाई बहन मेरे पास मेरे साथ मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं उनसे कहना चाहूँगी, सब्सक्राइब कर ले मेरे इस चैनल को, ताकि आपको इसी तरीके की खूबसूरत अपडेट्स इसी तरीके से मिलती रहे। और मैं बहुत इजी तरीके से गार्डनिंग करना बताती हूँ, बहुत लो बजट में, पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करती हूँ मैं, और बहुत अच्छे से बताती हूँ प्लांट्स की जानकारी कि आपके प्लांट्स कैसे चलें। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी पत्ता मॉस ग्रास के अटैच में आ जाता है टच में, उस पत्ते का आपको मैं अपनी हथेली से दिखाती हूँ। ये देखिए है ना कितना बड़ा, कितने बड़े बड़े पत्ते निकल रहे हैं। और एक नहीं है गाइस, ये देखिए, देख रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत खूबसूरत चलती है मनी प्लांट्स, और इसकी वेरिएशन के तो क्या ही कहने। तो गाइस जो भी भाई बहन, फिर से कह रही हूँ, लाइक कर चुकी हूँ, उनको कहना चाहूँगी सपोर्ट कर दीजिए। टाइमिंग की कमी है बस, वॉश टाइम कम है, साल पूरा होने वाला है, वॉश टाइम के लिए आप लोगों से कह रही हूँ बार बार, हर वीडियो में कह ही देती हूँ कि मेरा वॉच टाइम पूरा करवा दीजिए प्लीज़ गाइस। वॉच टाइम पूरा हो जाएगा तो थोड़ा सा चैनल अप करेगा, मन भी करेगा गार्डन में आप लोगों को और बेहतर जानकारी देने का। अभी थोड़ा सा कुछ खास नहीं कर रहा है मेरा चैनल, और काफ़ी टाइम से लगी हुई हूँ, इसलिए सपोर्ट मी, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक से बस मोटिवेशन मिलता है और कुछ भी नहीं। तो बाय फ्रेंड्स।